बांसुर में युवा जागृति संस्थान और रोटी बैंक के तत्वाधान में बाबा गिरधारी दास के मंदिर में जोहड़ की स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई की गई। इस मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। संस्थान सचिव गोकुल सैनी ने बताया कि वर्षा से पूर्व इस तरह की बावड़ियों को सफाई किया जाना आवश्यक है, जिससे बारिश का पानी इसमें जमा हो सके। संस्थान के सदस्यों ने साफ सफाई कर बांसुर को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। तो आज बांसुर में गिरधर दास के पास में स्थित जो प्राचीन बावड़ी है उसमें साफ सफाई का कार्य किया गया, जिससे कि वर्षा के समय जो जल संचित होता है वो इसमें संचित हो सके, और जल संचित होगा तो वो प्रवाहित होकर जमीन के गर्भ में जाएगा और जल स्तर को ऊंचा उठाने में मददगार होगा। तो आज युवा जागृति संस्थान की टीम व स्थानीय लोगों के सहयोग से इस कार्य को किया गया, जिसमें स्थानीय जो संवाददाता हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और मैं सब लोगों से अपील करता हूं और यह विनती भी करता हूं कि जहां भी प्राचीन बावड़ियां हैं या फिर जल स्रोत हैं उनकी साफ सफाई करके और वर्षा से पूर्व उन्हें इस प्रकार से संचित कर दें कि वर्षा जल उनमें एकत्रित हो सके।